सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश पर वेलकम है। हम वॉइसिस पढ़ रहे हैं सरकार, जिसे हम एक्टिव पैसिव के नाम से जानते हैं। हमने पहली क्लास को पढ़ा और पहली क्लास में समझा किस वर्ब का पैसिव बनता है, किस वर्ब का पैसिव नहीं बनता। हमने ये भी समझा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हर वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में लिखा वर्ड सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट को, कैसे ढूंढते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने कल ये पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि बाय लगाने से पैसिव नहीं बन जाती है, बाय की जगह विद भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, इसकी जगह एट और टू में से कोई भी ले सकता है। एक एक बात को हमने बारीकी से समझा, किस सेंटेंस का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है, पैसिव कब बनाया जाता है, हर बात को पहली क्लास में समझा। तो आज नंबर है क्लास नंबर सेकंड का। पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ पेन पेपर उठा लो सरकार और क्लास को एंजॉय करना शुरू करो। आ जाओ सरकार, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। आज की क्लास का पैटर्न समझाता हूं मैं आपको। आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन टेंस के हिसाब से चलेंगे। हमारे पास टेंस के 12 पार्ट थे, जिनमें से हमने चार को टेबल में अपनी बता दिया था कि अपन इनकी पैसिव नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ब अवेलेबल नहीं था। तो आज हम टेंस वाइज चलेंगे चीजों को लेके, एक एक सेंटेंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे जो एडवांस लेवल के होते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और पहले क्वेश्चन अटैक करते हैं अपन। एक एक स्लाइड में अटेंड करेंगे भाई सारी चीजों को। मैंने लिखा आपके सामने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपने टेंस में पढ़ा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बनाते हैं कैसे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। तो क्या करना होता है भाई, आओ समझते हैं। सी कंप्लीट्स द वर्क, सी कंप्लीट्स द वर्क ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस की पैसे बनानी है आपको, मेरे साथ साथ बनाते चलो भाई। मैं टाइम नहीं दूंगा आपको लिखने का, क्योंकि चीजें बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है? तो मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा सरकार। इसका पैसे बनाएंगे आप, जी सरकार चारों का पैसे बना दो फटाफट बिना किसी देरी के। हाँ जी बच्चा पार्टी, अपन ने ये समझा यार, यहां अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपन को भी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। कुछ का मतलब क्या हुआ, हमें ना तो थर्ड फॉर्म लिखनी है ना आईएनजी फॉर्म लिखनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपन को बनाना है प्रेजेंट। कंप्लीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसने बनाया प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या, इंडेफिनिट। तो अपन क्या करेंगे, अभी सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगता है ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया आप अपने वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट एंड होम। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। होम का मतलब क्या है, किसे। व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलते चलिएगा सरकार मेरे साथ साथ, अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हो बैठे हुए, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, फील करो अपन सामने है, बहुत आसानी से पढ़ाई हो सकती है, समझो आप। होम का आंसर भी ऑब्जेक्ट होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा सरकार, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी कंप्लीट्स व्हाट, वो कंप्लीट करती है क्या, वर्क। तो ये व्हाट का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां लिख दिया सबसे पहले वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपको इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ये जो दुनिया कह रही है ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, मैं चैलेंज करता हूं एक एक टीचर को जो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, आमना सामना कर लो और मुझे समझाओ कैसे बना सकते हो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बच्चा पार्टी अपन केस बदल रहे हैं, इन चीजों को समझो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंटरेस्ट जगाती है पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो अगर यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो अपन को भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म कहां से चाहिए, वो जो तीन वर्ब है ना आपको याद होंगी, वो तीनों वर्ब अपने टेंस में पढ़ा था आपने, बी, हैव और डू, जिन्हें हमने प्राइमरी वर्ब कहा था। आपको इन तीनों में से चाहिए आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एमआर, तो अपन को यहां लिखना पड़ेगा इज एमआर। तो द वर्क इज, अब पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट हमारा एक्शन है, कंप्लीटेड लिख दो आप यहां, इसने बना दी पैसे। अब आपको यहां लिखना है बाय हर, लिख दो यहां बाय हर लिखना चाहते हो तो, उसके बाद आप यहां लिख दो ऑन टाइम।
तो आप यहाँ बाय हर लिखना चाहते हो लिख दो, हो सकता है ऑप्शन में ही बाय हर ना लिखा हो, नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं, हमारा आंसर मिल चुका है, द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। पॉइंट क्लियर है? अब तीनों सेंटेंस की पैसिव फटाफट बना लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ यू, ये हमारा शी सब्जेक्ट हुआ। तो यू, अब देखो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो अपन को भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, यू के साथ क्या लगाएंगे अपन आर, आर लगाएंगे। उसके बाद अपन को चाहिए थर्ड फॉर्म, यहां लिखा अपन ने नॉन। अब यहां अपन को प्रेपोजिशन चाहिए, हमने प्रेपोजिशन सीखा है बाय अभी तक सीखा था, लेकिन कल वाली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में अपन सीख के आए, यहां सिर्फ बाय नहीं, यहां बाय भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। अब देखो मैंने आपको समझाया, दो वर्ब आपको दिए थे मैंने, नो और रेस्ट्रिक्ट, दोनों का मतलब क्या है, ये डेस्टिनेशन तैयार करते हैं, डेस्टिनेशन तैयार करते हैं मतलब यू आर नोन, आप जाने जाते हो उस तक, डेस्टिनेशन है उस तक, तो अपन को यहाँ बाय नहीं चाहिए, अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा टू। अगर बाय लिख दिया सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा, आप जाने जाते हो उसके द्वारा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी फंसाया जाता है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन डाला था, पब्लिक फंस गई 50% से ज्यादा, पब्लिक फंस गई उधर 50% से ज्यादा, पब्लिक फंस गई का मतलब समझ रहे हो, अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो तो आप 50% वो 54-55% जो पब्लिक है उस पब्लिक से ऊपर चल रहे हो, मतलब अगर आपके साथ 100 बच्चे हैं तो आप 55 से ऊपर हो, आप 45 वाली लिस्ट में हो कम से कम, तो ये कॉन्फिडेंस ही काफी होता है आपको और ऊपर ले जाने के लिए। अगला सेंटेंस देखो, हिंदी इज टॉट बाय देम, अब समझ में आ गया होगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो सरकार। आगे लिखा क्या, सॉरी, द क्लास इज अटेंडेड बाय हर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है अपन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है अगर ऊपर फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे भी फर्स्ट फॉर्म होगा, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्लियर होता जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो भाई आप वीडियो को रोक के लिख देना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे, क्योंकि मैं टेंस वाइज एक बार समझा देता हूँ, जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं वो इन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अपन एक सारे एक लाइन में आ जाएंगे, फिर अपन एडवांस लेवल पे काम करें, तो वीडियो रोक के आप इसे लिख देना, ठीक है सरकार। अब जैसे इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को मैं मिक्स करके करवाऊंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बार बार हो जाएगी, तो अभी वो इंटरोगेटिव तो बहुत आसान है, इंटरोगेटिव कैसे आसान है अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं अपन, ये मत सोचना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बस सर ने इतनी सी पैसे बनवाई है, मैं मिक्स करके बनवाऊंगा, मैं मिक्स करके बनवाने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ, आपका दिमाग इधर से उधर चलना चाहिए, पेपर में इधर से उधर ही तो होगा। आ जाओ सरकार, अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अपन लिखते हैं इज एम आर और वर्ब में आई एन जी। तो जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी इज टीचिंग इंग्लिश, अब देखना कितना आसान है इसकी पैसिव बनाना, एक बार आप ट्राई करो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक बार ट्राई कर दो भाई, सारे सेंटेंस की पैसिव बना दो। यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन स्पेशल, ओहो आ जाओ सरकार। देखो अगेन शी क्या है, सब्जेक्ट इज फर्स्ट फॉर्म, ये आई एन जी फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे इंग्लिश। अब देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो अपन के पास में फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट बना हुआ है, प्रेजेंट ही बनाना है, तो इज ही फर्स्ट फॉर्म है, इज ही अपन को चाहिए, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अपन को पैसे बनानी है तो अपन ने टीच का कर दिया टोट, क्योंकि इससे बन गई पैसे, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूस भी तो बनाना ना बच्चों, और कॉन्टिन्यूस कौन बनाता है, आई एन जी। अब आई एन जी तो लिख दिया, लेकिन किसमें रखेंगे, बेस फॉर्म में, तो आपको यहां बेस फॉर्म चाहिए बी, इस वजह से यहां लिखा जाता है बी। इस इज ने क्या किया, प्रेजेंट बनाया, इस आई एन जी ने क्या किया, कॉन्टिन्यूस बनाया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, टेंस नहीं बदल सकता ना, पैसे बनानी थी तो हमने टीचिंग जो लिखा था उसका आई एन जी बी में ले गए, और उस एक्शन का हमने थर्ड फॉर्म लिख के पैसे बना दिया बाय हर, लिविंग बीइंग है तो बाय आया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट में, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने सबसे पहले यहां क्रिकेट को लिखा, क्रिकेट बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए इज आया, अगेन अपन को प्ले का क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिखना है पैसे बनाने के लिए, अभी आई एन जी लगाना है, आई एन जी किसमें लगाना होगा,
बेस फॉर्म में, तो बेस फॉर्म हमारे पास क्या है, वो बी है, वो डू में से बी, बींग बाय मी। आगे देखो, यू आर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर इज राइट का क्या कर दिया अपन ने, रिटन बाय यू हो गया इधर। अब ये बताओ अपन को बी में आई एन जी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को आई एन जी भी चाहिए कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। किस में लगाएंगे हम आई एन जी, हम आई एन जी लगाएंगे बी में। और बताओ भाई, एक एक चीज खोल के सामने रख दूंगा, लेकिन एक शिकायत है भाई, ना कमेंट करते हो यार, ना लाइक करते हो वीडियो को यार, सच में हिम्मत तोड़ रहे हो मेरी, सच में हिम्मत तोड़ रहे हो यार। मतलब पता है ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं ना, कोई भी टीचर रुक जाता है, बात समझो, आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी एनर्जी हो, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो मुझे भी पढ़ाने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, आप लाइक नहीं करोगे वीडियो को, आप शेयर नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टूट जाऊंगा यार। और टूट जाऊंगा तो क्या होगा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं बंद कर दूंगा ऑनलाइन, यही तो होगा। बिजनेस दिमाग आएगा तो मैं कोर्स शुरू कर दूंगा कि जो बढ़ रहा है उसे पढ़ाते आओ। ऐसा मत करो यार भाई, प्लीज ऐसा मत करो, समझो मेरी बात को। मैं चाहता हूँ एक, जो लोग नहीं पढ़ा रहे वो मैं पढ़ाऊं बच्चों को, और आप चाह रहे हो कि वीडियो रुक जाए। इतने सारे लोग हो यार, आप वीडियो देखते हो, लाइक तक नहीं करते हो आप, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट को देखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। एक तो सबसे अच्छी बात यह हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं अपन, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ही हैज ईटन फूड, बेसिक बेसिक सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि एक बार आप सारे बच्चे कवर हो जाओ, एक साथ हो जाओ, एक लाइन में आ जाओ, बनाओ इसकी पैसे, बनाओ भाई, जिन्हें आती है वो बनाओ। ही हैज प्लेड द गिटार, आओ थोड़ा सा ट्विस्ट जगाते हैं। He has known me. तीनों सेंटेंस की पैसे बनाओ एक बार। देखो क्या करना है, she क्या है सब्जेक्ट, food क्या है ऑब्जेक्ट, has verb की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, eaten verb की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म। अब देखना ध्यान से, ये जो eaten है, देखो सबसे पहले और आसान कर रहा हूं चीजों को, सब्जेक्ट को हम लेके आते हैं इधर, इधर हम लिखते हैं एक प्रेपोजिशन, लिविंग बींग है तो बाय आया, और बाय के बाद अपन ने हर लिख दिया, तो इसका काम तो खत्म हुआ। अब ईटन अपन को चाहिए पैसे बनाने के लिए, तो हमने यहां ईटन लिख दिया पैसे बनाने के लिए। इस ईटन ने क्या किया है, इसने बना दी पैसे, तो कायदे से पैसे तो बन गई ईटन से। अब अपन को क्या करना है, पैसे बनी क्यों है, कैसे बनती है, कब बनती है, जब हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा होता है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाएंगे स्टार्टिंग में, फूड इसका भी काम खत्म हुआ। अब देखो ये फर्स्ट फॉर्म है पहले से, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए टेबल में, परफेक्ट बना रहे अपन तो हैज ही आएगा। तो जहां इज एम आर के साथ आई एन जी था इज एम आर आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इज एम आर आया, जब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो हैज हैव का हैज हैव ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म हैज लिखा। अब आप जानते हो हैज के बाद ये थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए था ना, तो थर्ड फॉर्म किसका आएगा, बेस फॉर्म का, बेस फॉर्म क्या है अपने पास बी, तो बी का अपन यहां थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बी। इसने क्या किया है, इसने बनाया परफेक्ट, इसने क्या किया है, इसने बनाया प्रेजेंट, तो ये बन गई प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव। दोनों सेंटेंस की पैसिव बनाओ, इन दोनों सेंटेंस की बनाओ पैसिव भाई, नीचे लिखे दोनों सेंटेंस की पैसिव बनाओ। बनी सरकार, देखो इसकी बनाएंगे तो अपन सबसे पहले लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है गिटार, द गिटार, हैज का हैज ही रहेगा, हैज लिखा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए, बीन लेके आए, प्लेड हमने पैसे बना दिया थर्ड फॉर्म से बाय हिम। बहुत आसान है बच्चों, लगातार बनाओगे बहुत आसान लगने लग जाएगी। यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मी को हमने सब्जेक्टिव केस में लिखा, आई हैज लिखा है, आई के साथ हम हैज हैव लिखेंगे तो हैव लिखा जाएगा,
आई के साथ हैव लिखा, थर्ड फॉर्म चाहिए बीन परफेक्ट बनाने के लिए, थर्ड फॉर्म चाहिए नॉन पैसिव बनाने के लिए। अब अपन को यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए और आगे चाहिए हर। अभी अभी समझाया आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कि हम जब नो लिखते हैं तो डेस्टिनेशन तैयार होता है, तो यहाँ बाय नहीं चाहिए, यहाँ अपन को क्या चाहिए, प्रेपोजिशन टू चाहिए। कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? बोलो सरकार, आ जाओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेबल आप चेक करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो दो वर्ब चाहिए अपन को, एक बीन चाहिए होगा और एक बी में आईएनजी चाहिए होगा, दो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी इसलिए तीनों का नहीं बनता। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख के। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, दे न्यू अस, दूसरा वी बॉट अ कार, तीसरा माय ब्रदर डिड नॉट डिस्टर्ब मी। तीन सेंटेंस लिखे आपके सामने, एक बार पढ़ लो सेंटेंसेस को। डन। ये अपने पास सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अपन ने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा सब्जेक्टिव केस में वी। अब देखो यहां सेकंड फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, एक्शन तो है नहीं हमारे पास उन प्राइमरी वर्ब में, नहीं है तो अपन बी से शुरू करते हैं। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोज वर। वी के साथ क्या लगाएंगे अपन, वर, वी वर। अब चाहिए अपन को थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए नॉन। अगेन है प्रेपोजिशन, आपका पेपर आपको बाय लिख के दे सकता है, यहां बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तीसरी बार बता रहा हूं आज के वीडियो में खुद, यहां डेस्टिनेशन तैयार होगा। क्लियर है? यहां डेस्टिनेशन तैयार होगा नो लिखे होने की वजह से। वी बोट अ कार, वी बोट अ कार में कार हमारा ऑब्जेक्ट है। तूफान आ रहा है, लाइट कभी भी जा सकती है। 17 मिनट का वीडियो अभी रिकॉर्ड हुआ है, जब तक लाइट है मैं रिकॉर्ड करता हूं। अ कार, सेकंड फॉर्म लिखा है बोट, तो आपकी सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म चाहिए वोज, थर्ड फॉर्म चाहिए पैसे बनाने के लिए बोट बाय अस। अब देखो यहां अपन ने नेगेटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं अपन को। डिड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ही चाहिए होगा। मी को उठा के हम पहले लेके आएंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को आए। आए के बाद देखो ये अभी सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म ही चाहिए होगा अपन को वोज। यहां नॉट लिखा है, हम नॉट लिख देंगे, कुछ नहीं करना। वहां नोट था, अपन ने नोट लिख देना है। वहां हेल्पिंग अप के बाद नोट था, हम अपनी हेल्पिंग अप के बाद नोट लिख देंगे। नोट, आई वाज नोट, पैसिव बना रहे अपन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे बाय माय ब्रदर। क्लियर है भाई? कोई भी दिक्कत है तो बताओ। जी सरकार, आगे चलता हूं। वीडियो रोक लेना भाई, रोक के देख लेना बच्चों। अब जैसे सेम पैटर्न अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब लिखते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बनाओ, कोशिश करो पैसिव की, जिन्हें आती है बनाओ। अब तो सबको आने लगेगी होगी। देखो सेम है ये, जैसे सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर लिख दूं तो वहां इज लिखेंगे, यहां वॉज लिखेंगे, और कुछ भी नहीं है। आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। आओ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करता हूं। इसकी पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्टार देके चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना दिया मैंने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना है, मात्र 20 ग्राम का। ठीक है भाई, आओ पहला सेंटेंस देखो। शी हमारा सब्जेक्ट हुआ, वोज हमारे पास सेकंड फॉर्म हुई,
रीडिंग आईएनजी फॉर्म हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट लिखा गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा अपन ने अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर वॉज लिखा है सेकंड फॉर्म में, तो वॉज ही चाहिए अपन को, अपन ने यहां वॉज लिख दिया। अब देखो सरकार, अपन के पास क्या है, रीडिंग, इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो हमने यहां लिख दिया रीड, क्लियर है, बाय हर भी लिख दिया हमने, थर्ड फॉर्म है इसका सेम होता है। अब ये आईएनजी भी तो लगेगा ना कहीं यार, आईएनजी जब ऊपर है तो नीचे भी आईएनजी आएगा, अब नीचे आईएनजी आएगा तो किस में आएगा, बेस फॉर्म में, बी में आएगा, तो रूल नहीं होता यार इसकी, पैसे इससे बनती है, यहाँ ये लगाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है, कुछ नहीं लगाना पड़ता है, कहां से आया लॉजिक मैं बता रहा हूं, बस आप मेरा साथ दो यार, मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, मेरा साथ दो यार, समझो यार भाई, साथ दो यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार। अब देखो इस सेंटेंस में ट्विस्ट है एक छोटा सा, क्या, आई वॉज टीचिंग वोट, ये जो आपके सामने लिखा है ये वोट का आंसर है, और वोट का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां क्या लिखा है, यू, तो आई वॉज टीचिंग किसे, होम, यू को, ये होम का आंसर है, होम का आंसर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलो इतना समझ में आया। सुनो अब एक काम की बात सुनो, जब कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ लिख रहा हूं भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना अपनी नोटबुक में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा हमने, पहले मतलब ये नहीं जरूरी है कि स्टार्टिंग में लिखे, हम कहीं भी पहले लिखो, इनडायरेक्ट से पहले लिखना है, तो इनडायरेक्ट से पहले अगर आपने लिखा तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लिखना पड़ता है, ये टू लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग नॉन लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग बींग, जैसे इंग्लिश आपको पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, अगर मैं इस सेंटेंस में आई वॉज टीचिंग इंग्लिश लिख दू ना, पहले इंग्लिश और यू बाद में, तो मुझे यू से पहले टू लिखना पड़ेगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू यू, बात पहले बड़ी, अगर मैं उल्टा कर दूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं मैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखूं, तो अब मुझे यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, ना टू ना कोई और प्रेपोजिशन, अब ये टू ही क्यों आएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बनेगी, मैंने कुछ पढ़ाया आप तक पहुंचाया, उसे डिलीवर किया, इसलिए टू आएगा। अब आओ, जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई इन दोनों तरह से, दोनों ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं, इसकी दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकती है पैसे, तो पहला ऑब्जेक्ट उठाया अपन ने, क्या उठाया बताओ, यू उठा लिया अपन ने, यू भी ऑब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लिखा, वर, अब बी में आईएनजी चाहिए ताकि कॉन्टिन्यूस बन सके, और टोट चाहिए ताकि पैसिव बन सके, अब अपन यहां क्या लिखेंगे, इंग्लिश, यू वर बीइंग टोट इंग्लिश, अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, बाय मी लिख देंगे हम, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं इंग्लिश से, तो इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में लिख दिया इंग्लिश, अब इस बार इंग्लिश के साथ वर्ब नहीं वो जाएगा, बी में हमने आईएनजी लिख दिया बी, अब हमने यहां लिखा टोट, अब देखो यहां मैंने लिखा यू और बाय मी, अब यू कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मुझे क्या चाहिए इससे पहले, प्रेपोजिशन टू चाहिए, बोलो सरकार समझ आया कि नहीं आया, यहां अपन को टू लिखना पड़ेगा, सही सेंटेंस होगा इंग्लिश वॉज बींग टोट टू यू बाय मी, और ये इसी ऐसा नहीं इस टेंस में होगा, सब जगह होगा, ध्यान रखना टेंस का, तो बस मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो बच्चे एकदम नए हैं वो प्रैक्टिस में आ जाए, सब एक लाइन में आ जाए, मैं ये चीजें पढ़ाता नहीं हूं ज्यादातर, तो जब मैं जो एकदम बेसिक बच्चे हैं उन्हें समझा रहा हूं, चीजें एक साथ हो जाएंगे बेचारे, फिर मजा आएगा पढ़ने में, सब एक साथ हो तभी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, तो लिख लेना इसे वीडियो रोक के। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की, ये रहा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं अपन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखने से, एक सेंटेंस देखो मैंने यहां लिखा शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसका लेवल बढ़ सकता है और मैं अभी बढ़ा नहीं रहा, अभी आप दो सेंटेंस लिखता हूं ज्यादा नहीं भाई, करके दिखाओ पैसे बना के दिखाओ, आई हैड ईटन फूड, देखो ऑब्जेक्ट चाहिए अपन को पहले, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो बोर हो जाएंगे यार सब, द वर्क हैड
थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे अभी हैज हैव के साथ समझा, सेम पैटर्न है बच्चों, बस हैड हुआ है, सेकंड फॉर्म हुई है और कुछ नहीं, कंप्लीटेड बाय हर। सेम यहाँ भी है, फूड ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ गया, हैड आ गया, थर्ड फॉर्म चाहिए बीन, थोड़ा सा ईटन मिलाया, स्वाद अनुसार बाय लिखा और लास्ट में लिख दिया। बोलो भाई, बहुत आसान काम है यार, इससे आसान काम दुनिया में कुछ नहीं है। क्लियर? अब बात आती है मॉडल की, पैसिव कैसे बनती है, कोई भी मॉडल लिख दो आप, मॉडल की पैसिव मॉडल से बनती है क्योंकि फ्यूचर में एंट्री कर रहे हैं हम, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बनेगी नहीं। अब यहां से समझने की कोशिश करो भाई, अब आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ सारे बच्चे। देखो, अगर कोई भी मॉडल मैंने लिखा, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मैंने लिखा कोई मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते अपन? बेस फॉर्म। तो यहां अपन ने बेस फॉर्म लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो पैसिव बनाने के लिए मुझे लिखना होगा यही मॉडल, सेम मॉडल चाहिए, सेम जैसा ऊपर लिखा डिट्टो वैसा। कैन लिखा है, कैन लिख दो, कैन की दो आंखें हैं, दो आंखें होनी चाहिए, कैन की एक आंख है, एक आंख होनी चाहिए, कैन की एक बीवी है, एक बीवी होनी चाहिए, कैन की दो, कितने गंदे हो यार, मैंने दो बाइक बोला है, कैन की दो बाइक है, नीचे दो बाइक होनी चाहिए। मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। अब ये वाला जो वर्ब है ना, यहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन तैयार करूंगा, ध्यान रखना, ये जो वर्ब है ना, ये चला गया कहां? पैसिव बनाने। तो अब मुझे चाहिए यहां बेस फॉर्म, तो मैं बेस फॉर्म क्या लिखूंगा? बी। ये होगा कब? जब आप पैसिव बना रहे हो। पैसिव कब बनाते हैं? जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। सेंटेंस देखो, आई कैन डू इट, इसकी पैसिव बनानी है, बनाओ। इट ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा, कैन can का कैन ही रहना है, बेस फॉर्म चाहिए बी आएगा, थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए डन आएगा, बाय मी लिख देंगे, लिखना चाहेंगे तो स्वाद अनुसार। बोलो भाई, ये पल्ले पड़ा या सुन? बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है सरकार। यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी कोई तकलीफ नहीं? चलो भाई, काम की बातें करते हो। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और आप उन सेंटेंस की पैसे बनाएंगे, ठीक? बनाओ भाई, चारों सेंटेंस के पैसे बनाओ, फटाफट बनाओ। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। बनाओ बच्चा पार्टी, और एक कमेंट कर दो भाई, प्यारा सा एनर्जी दे दो भाई, एक कमेंट करके लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको, लाइक जितने बच्चे देख रहे हैं ना अभी, लाइक ठोको भाई, तोड़ दो यार लाइक का बटन आज। बन गई कोई पैसे भाई? आ जाओ सरकार, पहला सेंटेंस देखो, डैम हमारा ऑब्जेक्ट है, उठा के यहां लाए, दे बना, विल का कुछ नहीं कर सकते, विल ही रहेगा, विल का शैल कब करते हैं आगे समझाऊंगा। बेस फॉर्म चाहिए बी, ठीक है, थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए टोट, बाय लगाएंगे, थोड़ा सा हर लगाएंगे इसमें, बन के तैयार हो जाएगा पैसिव। आगे आ जाओ, आई शुड टीच यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर आ गया, शुड का कुछ नहीं कर सकते अपन, तो शुड लिख दिया,
बेस फॉर्म चाहिए बी तो बी लिख दिया, थर्ड फॉर्म चाहिए टोट तो थर्ड फॉर्म लिख दिया, बाय लिया स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार मतलब स्वाद अनुसार, स्वाद नहीं होता ना स्वाद होता है ना, मतलब हिंदी भी खराब है यार मेरी। द एग्जाम कैन का कुछ नहीं किया जा सकता, कैन लिख दिया, बी बेस फॉर्म चाहिए, क्लियर थर्ड फॉर्म क्लियर्ड, बोले तो बाय हर, बाय हर 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 महादेव। आगे चलेंगे सरकार, हंसते रहो खेलते रहो पढ़ते रहो दे, हैव लिखा, हैव का कुछ नहीं कर सकते, हैव का हैव ही रहेगा। अब हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, बोले तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहां से लाएंगे, प्राइमरी वर्ब से, तो यहां लिख दिया अपन ने बी का थर्ड फॉर्म बीन। पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए डिस्टर्ब लिख देंगे, बाय लिया मिला दिया इसमें थोड़ा सा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। बोलो सरकार सारे सही है कि नहीं, बोलो भाई चारों सही है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई चारों सही है कि नहीं, मजा आया आया, बस यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। ओहो हंस रहे हो, बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, भगवान करे जल्दी नौकरी लग जाए आप सबकी। आ जाओ सरकार और सेंटेंस बना के दिखाओ, आ जाओ सरकार चार सेंटेंस लिखे चारों की बना दो पैसे फटाफट। बना दो बच्चा पार्टी चारों की पैसे बना दो, और नोटबुक में लिखते लिखते बनाना भाई, ऐसा नहीं मन मन में बना दिया, जल्दी बना दो, मैं दो सेकंड में आया। डन बच्चा पार्टी मैं आ चुका हूं, डन। देखो सरकार माफी चाहता हूं मैं डिस्टर्ब करके चला गया आपको, आ जाओ सरकार। डज लिखा है, डू और डज याद है आपको, याद नहीं है तो याद करवाऊंगा, मैं जिंदा हूं मैं अभी। डू और डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनती है, तूफान फिर से शुरू हो चुका है, ये गलत बात है तूफान तेरी यार, 34 मिनट का हुआ है वीडियो अभी, तूफान प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अपन ने सीखा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए इसे मार चाहिए होगा अपन को, तो सबसे पहले लिखा हमने दिस, दिस बुक इज नॉट है तो नॉट लिख दिया, जो होगा वो लिख देंगे, नेवर आएगा नेवर लिख देंगे। थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है, रीड इज नॉट रीड बाय हर, ये लो इतना आसान है। आई डिड नॉट लिखा है, दैट लेटर डिड लिखा है, डिड कौन सी फॉर्म है, शाबाश सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे अपन, सेकंड फॉर्म वाज और वर, नोट लिखा है नोट लिख देंगे। थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन बाय मी, बेहतरीन। आगे लिखा अपन ने द टास्क हैज लिखा, हैज लिख देंगे। थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए सरकार, बीन चाहिए
उसके बाद पैसिव बनाने के लिए चाहिए अकम्प्लिश्ड बाय हर। ये लो सरकार, आ जाओ सरकार इधर। हर को पहले लिखा सब्जेक्टिव केस में शी, किल्ड लिखा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अपन को चाहिए वोज, किल्ड चाहिए थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। बाय एन एरो लिख दिया अपन ने, और जब हमने बाय एन एरो लिखा तो हमें याद आया, याद आया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8888 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ टूल है और टूल के लिए हम विद लिखते हैं। बोलो बात पल्ले पड़ी या समझ में बात आई? आ जाओ सरकार थोड़ा सा आगे चलते हैं। नई चीज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, आपकी आंखें खुली हो, अटेंशन इधर हो। जी सरकार देखो एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, शी प्लेज क्रिकेट, समझना बच्चा पार्टी, शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इसी सेंटेंस को दो तरीके से मैं इंटरोगेटिव बना सकता हूं, कैसे? एक तो मैंने इंटरोगेटिव बनाया इस सेंटेंस का यहां इस तरीके से, मैं इसमें से बाहर निकाल के लेके गया डस को। एक एक बात बारीकी से समझना, अब करियर करियर की तरफ लेके जा रहा हूं मैं आपको। चार क्वेश्चन आते हैं मेंस में, दो आते हैं प्री में, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं। सीपीयू पढ़ रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वादा है मेरा। डस मैंने बाहर निकाल दिया, डस प्ले आएगा, एस नहीं आएगा क्योंकि एस यहां लग चुका है क्रिकेट। लास्ट में प्यारा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। एक और तरीका है मुझे इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस का, क्या? इससे पहले कोई डब्ल्यू एच वर्ड लिख दो, जैसे मैं बोलूं व्हेन लिख दो आप, व्हाई लिख दो आप, यहां कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड लिख दो जो आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, ये आपकी श्रद्धा है। व्हाई डज सी प्ले क्रिकेट, ये देखो तीन सेंटेंस हमारे पास लिखे। पहले वाले की पैसिव तो बनाना सीख गए हो आप, आपके फिंगर्स पे आ गई। क्रिकेट इज आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड बाय हर। ऐसी बनाओगे पैसिव सब, हाँ या ना? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आपका ध्यान एकदम फोन की स्क्रीन पे होना चाहिए। जब ये इसने शी प्लेज क्रिकेट में से प्लेज का हेल्पिंग को बाहर निकाला, तो हम इस सेंटेंस के अपने सेंटेंस के पैसिव वाले का हेल्पिंग को बाहर निकाल लेंगे। इसने इसका हेल्पिंग को बाहर निकाल के रखा है ना, हम इसका हेल्पिंग को बाहर निकाल देंगे। निकालो बाहर, इज क्रिकेट प्लेड बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, बन गई पैसिव। अपन को कुछ भी तो नहीं करना है, एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ है सरकार, तो पैसिव वाला सेंटेंस बना रहे हो जिसमें पैसिव है आपका एक्शन, वो भी हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा। अगर एक्टिव की सकल प्यारी है तो पैसिव की सकल भी प्यारी होगी, बेसिक सी बात। जैसा एक्टिव होगा वैसा पैसिव होगा। अगर ये हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ तो ये भी हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा, ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ तो ये भी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। इसने इस सेंटेंस से पहले क्या लिखा है, वाई, हम इससे कम है, हम अपने वाले से पहले वाई लिख देंगे। वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय हर, कुछ भी नहीं है, रूल 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 कर करके दिमाग का कचरा कर दिया भाई, सच में दिमाग का कचरा कर दिया। लिखो भाई लिखो, इसे जल्दी लिखो बच्चा पार्टी। दो चार को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, दो चार को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो।
कितनी अच्छी लाइन है ना यार। आगे चलते हैं, आ जाओ फिर। लाइन अपनी जगह है, सिलेक्शन अपनी जगह है, पढ़ाई होके हो, पढ़ाई करके होता है। लाइन ठीक है, बीच में आ गई, आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं जी सरकार। हैव यू ईटन फूड? हैं बाबू ने थाना थाया, ऐसा वाला सेंटेंस याद है आपको? इंग्लिश में है ये सेंटेंस, उसी को लिखा है मैंने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। चलो भाई तीन सेंटेंस लिखे, तीनों के पैसे बनाओ। तीनों के स्टार्टिंग वर्ड में क्या लिखा है? तीनों के स्टार्टिंग में क्या लिखा है भाई? स्टार्टिंग वर्ड क्या है तीनों का? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पैसिव का भी स्टार्टिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा। लिख दो फटाफट भाई, जल्दी लिख दो बच्चा पार्टी, जल्दी लिख दो भाई, जल्दी हरिया। थक गया, आ जाओ। अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना, एक इलाज है इसका। इलाज क्या है? इसे सीधा करके लिखो, यू हैव ईटन फूड। इसकी पैसे बनाना, फूड हैज ईटन, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय यू। इसका बीन रह गया यहां तो बीन लिखना पड़ेगा। ऐसे बनाते पैसे अपन इसकी, हाँ है ना भाई। हैव लिखा, थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए, बीन और रिटर्न ने पैसे बना दिया। अब देखो इसने क्या किया, इन भाई साहब ने क्या किया है, इन्होंने इस वाले सेंटेंस के हैव को बाहर निकाला है। अपन अपने वाले को बाहर निकाल के लिख देंगे, हैज फूड बीन ईटन बाय यू। बोलो सरकार, आंखें मिलाएंगे डर से। मजा आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, जैसे ये है, ये सेंटेंस अगर आपसे ना बने तो सीधा करके लिख दो आप। सीधा करके क्या होगा? सी प्लेड क्रिकेट। कैसे बनाओगे? क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड। अपने वॉज को बाहर निकाल के लाओ, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हर। इतना आसान है यार, मतलब कुछ भी नहीं रखा है। हम क्या लिखते इसे, क्रिकेट वॉज प्लेड ना, वो उसको बाहर लिख दे क्योंकि उसने डिड बाहर लिखा। अब जैसे ये लिखा है डू यू, अब डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये लिखा होता है टू यू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाय यू, तो इसको बाहर निकाल के रख दो, इज इंग्लिश Taught by you। बहुत आसान काम है, इससे आसान काम को दुनिया में है ही नहीं यार। आंखें मिलाएंगे डर से। डर तेरी ऐसी कम तैसी। देखो भाई और करें पहले सेंटेंस में थोड़े से, फिर कुछ नया सीखेंगे। वाई हैज सी बोदर्ड यू। बनाओ पैसे, वाई डस
सीक अटेंड द सेमिनार, बनाओ पैसे भाई। When did they play cricket? बना दो भाई, तीनों के पैसे बना दो। कुछ नहीं किया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 ग्राम दिमाग लगाओ, उसके लिए 2 ग्राम होना चाहिए। देखो WH वर्ड लिखा है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपन, नहीं कर सकते क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता। वाई रीजन बताता है, व्हेन एडवर्ब है, टाइम बताता है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। बना दो जल्दी पैसे बना दो भाई। यार एनर्जी ब्रेक क्यों हो गई अचानक से, अभी तो टाइम भी नहीं हो जाएगा। हाँ जी सरकार, यार आपने एनर्जी खत्म कर रखी है मेरी यार, लाइक कमेंट नहीं करते हो, गंदे बच्चे हो। वाई का वाई रखेंगे, वाई का वाई रखेंगे, वैन का वैन रखेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। अब देखो यहां लिखा अपने सामने हैज, लिखा भाई हैज लिखा, हेल्पिंग ऑफ है। इस सेंटेंस को अगर समझ नहीं पा रहे सीधा करके लिख दो, शी हैज बोदर्ड यू, यही होगा। इसके पैसे बनाना कैसे बनाओगे, यू हैव बीन बोदर्ड बाय हर, ये लिखोगे ना भाई। तो एक काम करो, वाई हैव को बाहर ले आओ, हैव वाई हैव यू बीन बोदर्ड, बहुत आसान कर दिया मैंने आपका काम, आप खुद कर लोगे सारी चीजें। अब तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसे देखो, वाई डज लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर ये डज नहीं होता तो क्या होता है, सी अटेंड्स द सेमिनार, क्या बनाते हैं आप, द सेमिनार इज अटेंडेड बाय हर, तो अपने इज को यहां बाहर लिख दो, इज द सेमिनार अटेंडेड बाय हर। डिड दे प्ले क्रिकेट लिखा है, अगर ये सीधा लिखा होता क्या लिखा होता, दे प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वोज लिखते आप, तो वोज क्रिकेट लिख दो इस बार, was cricket played by them, बहुत आसान काम है भाई। बोलो सरकार, कोई भी तकलीफ है तो बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चा पार्टी। आ जाओ बच्चा पार्टी, बनाओ पैसे लो। बनाओ भाई, तीनों के पैसे बनाओ। तीनों सेंटेंस के पैसे बनाओ सरकार, जल्दी बता दो भाई।
पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक नहीं किया करते हैं। पानी अगर शांत है कि पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक नहीं किया करते हैं। गहराई में तब उतरते हैं जब पानी शांत नहीं होता, इसलिए लाइन लिखी गई है, पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक नहीं किया करते। बड़ी अच्छी लाइन है। आओ सरकार, कैन लिखा है, देखो हेल्पिंग ऑफ है, हेल्पिंग ऑफ से शुरू होता है, कैन मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग ऑफ की तरह काम करता है। तो जब यहाँ एक कैन लिखा है तो अपन भी कैन से साथ ही जाएंगे, क्योंकि चेंज तो होता नहीं। कैन के बाद क्या चाहिए अपन को, अपना ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन, तो कैन दिस क्वेश्चन। अब देखो कैन के बाद क्या चाहिए, बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको बी। यहां बच्चों से गलती करवाई जाती है, बच्चे गलती कर बैठते हैं। सॉल्व बाय हर, क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, वाई लिखा तो वाई का कुछ नहीं कर सकते अपन, वाई लिखा अपन ने तो यहां से तो बात ही खत्म हो गई इसकी। अब लिखा विल, तो विल का विल लिखा अपन ने, विल के बाद क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, यू। अब यू के बाद अपन को चाहिए बेस फॉर्म, इस बेस फॉर्म का आपको खास ध्यान रखना है, बी हेल्प्ड बाय देम। इस लिखा हेल्पिंग ऑफ, इसका हम इजी रखते हैं तो इज लिख दिया अपन ने। इसके बाद क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, अ न्यूज़पेपर। अब देखो कितनी जल्दी पिक कर रहे हो आप कुछ चीजों को, नहीं मेरे साथ साथ। अब देखो इज लिखा है, अपन को ये आईएनजी भी लगाना है, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म चाहिए मुझे, रीड बाय हर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसकी यही होती है। तो अब मुझे ये आईएनजी भी तो लगाना है, आईएनजी में किस में लगाऊंगा बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोल रहा है ना तू, करो नोट करो फटाफट। लेवल बढ़ाया जाए कि थोड़ा सा भी है, नहीं रुकना चाहिए यार, थोड़ा सा रुकना चाहिए। राधा हैज ईटन, क्या खिलाएंगे आप इसे, छोड़ो यार, याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्या लिखूं मैं। हाँ जी सरकार, कर लो थोड़ी सी कोशिश और, कर लो भाई थोड़ी सी कसरत और कर लो। कर लो सरकार कर लो।
बनी हुई पैसे बनी। देखो फूड, आंख में कुछ चला गया, फूड हैज बीन ईटन बाय हमारी प्रिय राधा रानी। क्लियर? आगे लिखा वाई, डज लिखा है, डज लिखा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही सोल्स लिखा होगा तो अपन को इज एमआर चाहिए होगा, तो अपन ने लिखा इज योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय हिम। क्लियर है भाई? आगे देखो कैन का कैन ही रखेंगे, कैन टी बी, बी का ध्यान रखना है आपको, प्रिपेयर्ड, अगर फंसाया गया आपको तो यहीं पे फंसाया जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय हर। आगे लिखा अपन के सामने वाई विल द पियानो बी प्लेड। यार आँख में कुछ चला गया दोस्तों यार, प्लेड बाय हर। तो ये थे भाई बेसिक, एकदम बेसिक, एक एक बात आपके जहन में उतर गई होगी क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। अब यहां से खेल शुरू होगा एक्टिव पैसिव का असली रंग वाला। अब आएगा मजा। कैसे आएगा मजा? जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, वोट डिस्टर्ब लिख दो आप यहां, वोट डिस्टर्ब्स यू, इसकी पैसिव बनाओ। दूसरा सेंटेंस मैं लिखूं यहां आपके सामने, वोट डिड यू परचेज फ्रॉम मार्केट, इसकी पैसिव बनाओ। अब देखो यहां वोट लिखा है, यहां भी वोट लिखा है, कब ये वोट का वोट रहेगा, कब ये बाय वोट का बाय वोट बनेगा। हु की पैसिव बाय होम से बनती है या बाय की जगह कुछ और भी आ सकता है, और क्यों बनती है बाय होम से पैसिव? क्या ये डज अगर कहीं सेंटेंस में आता है, क्या डज हमेशा इज एमआर में जाएगा या डज का डज भी रहेगा? अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं कि वाई डज शी हैव टू अटेंड अ क्लास, क्या ये डज इज एमआर में चेंज होगा या नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा, आपको लगेगा होगा। बाय कब लगाएंगे हम होम से पहले, तब लिखेंगे हम टू होम से पहले, और आखिर लिखते क्यों है प्रीपोजिशन होम से पहले? हो की पैसिव बाय होम से बना दो, क्यों बाय की पैसिव बाय होम से बना दो, टू होम से बना दो, आखिर क्यों? जो मैंने आपको लाइव आके क्वेश्चन करवाए थे उनका सॉल्यूशन कैसे हम हासिल करेंगे, एक्टिव पैसिव अपने रंग में दिखेगा आपको अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। तो देखना ना भूलें हिमांशु यादव इंग्लिश पर एक्टिव पैसिव क्लास नंबर 3। बहुत जल्दी होगी आपसे मेरी मुलाकात। आपसे बस यही शिकायत है मेरी कि आप लाइक कमेंट नहीं करते। मिलता हूँ भाई मैं अगले वीडियो में। पागलपन है, कभी कभी जाग जाता है। ठीक है भाई, तो मैं विदा लेता हूँ आपसे। ख्याल रखें अपना और अपनों का, और पढ़ते रहे मन से मेहनत से। बहुत जल्दी आपको कुछ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक ख्याल रखें अपना।